हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है फूड किटोर में। मैं हूं चेतना पटेल और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कॉफी कैरमल शॉर्ट ब्लास्ट डेजर्ट की रेसिपी। इसे बनाना बहुत आसान है और बहुत ही डिलीशियस तैयार होता है, तो चलो बनाना शुरू करते हैं। कॉफी कैरमल डेजर्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्रीम को व्हिप करना है, तो यहाँ पे मैंने 3/4 कप व्हिप टॉपिंग क्रीम लिया हुआ है और इसे मैं एक बाउल में निकाल देती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो क्रीम है वो एकदम चिल्ड होना चाहिए, और एक क्रीम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैंने पहले से ही ये वीडियो अपलोड कर दिया है और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहाँ जाके फॉलो कर सकते हैं। पहले इसे स्लो स्पीड पर बीट करेंगे और इसके बाद हम स्पीड बढ़ा देंगे। आप देख सकते हैं क्रीम हमारा अच्छे से व्हिप हो चुका है। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून पानी लिया है और ये पानी जो है वो गर्म है, और इसमें मैं 1.5 टीस्पून कॉफ़ी डाल देती हूँ। इंस्टेंट कॉफ़ी मैंने लिया हुआ है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और ये जो कॉफ़ी सिरप है इसी में 1 टीस्पून मैं कैरमल सॉस डाल देती हूँ। 1 टीस्पून ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमारा कॉफ़ी कैरमल सिरप रेडी है। इसे मैं साइड में रख देती हूँ। क्रीम को हमने जो व्हिप किया था इसमें से 3/4 क्रीम मैं एक अलग बोल में रख देती हूँ, और बाकी का जो क्रीम है इसमें हम डाल देते हैं कैरमल। तो यहाँ पर मैं कैरमल 1.5 टेबल स्पून डाल रही हूँ। ये जो कैरमल सॉस है इसका वीडियो मैंने पहले से ही YouTube पे अपलोड कर दिया है और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो क्रीम और कैरमल है इसे वापस बीट करेंगे। आप देख सकते हैं ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, ये जो बाकी का जो क्रीम है वो इसमें डाल देंगे। इस तरह से करेंगे तो क्रीम का जो वॉल्यूम है वो बैठेगा नहीं और हमें एकदम क्रीमी टेक्सचर मिलेगा। और कट एंड फोल्ड मेथड से इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे घुमा घुमा के मिक्स नहीं करना है, या आपको हैंड विस यूज़ नहीं करना है, बीटर भी यूज़ नहीं करना है। सेकेंड स्टेप में आपको कट एंड फोल्ड मेथड से अच्छे से मिक्स करना है। तो इस तरह से चारों को लेके बीच में इस तरह से आपको करना है। तो ये कट एंड फोल्ड मेथड है। यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक ग्लास और इसके ऊपर रख देती हूँ पाइपिंग बैग, और यहाँ पे मैं एक प्लेन नोजल ले रही हूँ और ये मैं पाइपिंग बैग के अंदर रख देती हूँ, और ये वाला जो मिक्सचर है मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। इसे कट कर लेते हैं और इसे मैं साइड में रख देती हूँ। यहाँ पे मैं दूसरा एक पाइपिंग बैग ले रही हूँ और इसके अंदर मैं कैरेमल सॉस रख देती हूँ। तो यहाँ पे हमारा कैरेमल सॉस भी मैंने पाइपिंग बैग के अंदर रख दिया है, और व्हिप क्रीम के अंदर हमने कैरेमल डाला था वो भी मैंने रख दिया है। अब हम असेंबल कर लेते हैं। तो हमारे पास जो कॉफ़ी सिरप था इसमें मैं और 2 टेबलस्पून पानी डाल देती हूँ, और एक कॉफ़ी सिरप भी हमारा अच्छे से रेडी है। यहाँ पे मैं शॉट ग्लास ले रही हूँ और इसमें मैं चॉकलेट स्पंज की स्लाइस रख रही हूँ। आप चाहे तो वेनिला स्पंज की स्लाइस भी रख सकते हैं। और इसके ऊपर मैं कॉफ़ी वाला जो सिरप है वो रख देती हूँ। 1 टीस्पून डालना है, और इसके ऊपर मैं ये जो हमने कैरेमल वाला मिक्सचर बनाया था वो रख देती हूँ।
इस टाइप के बटरस्कॉच के दाने इजीली मार्केट में मिल जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो छोटी साइज़ का आता है वो लिया है। अगर आपके पास छोटी साइज़ वाला बटरस्कॉच ग्रेन्यूल नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हैं, बटरस्कॉच रेडीमेड मिल जाता है तो इसे रफली क्रश करके भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास अगर प्रलाइन है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये इसके ऊपर रख देती हूँ, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, क्रंची टेस्ट आता है। इसके ऊपर कैरेमल सॉस की पतली लाइन रख देते हैं ताकि दिखने में बहुत अच्छा लगे। सिर्फ जो बॉर्डर है वहीं पे लाइन करना है, पूरी लाइन नहीं करना है, मीन्स पूरा लेयर नहीं करना है। अगर पूरा लेयर करेंगे तो ये ज़्यादा स्वीट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, वापस स्पॉन्ज की स्लाइस रख देंगे। यहाँ पे मैंने चॉकलेट स्पॉन्ज यूज़ किया है, इसकी जगह आप वेनिला स्पॉन्ज भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास वेनिला स्पॉन्ज नहीं है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, छोटी साइज़ के कोई भी वेनिला या चॉकलेट फ्लेवर के कुकीज़ ले लो और इसे कॉफ़ी सिरप में डीप करके भी ले सकते हैं। वापस कॉफ़ी सिरप रख देंगे। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ वापस कैरेमल के साथ जो क्रीम हमने मिक्स किया था वो। बटरस्कॉच है ग्रैन्यूल्स, वापस कैरेमल की लाइन कर लेते हैं। अब देख सकते हैं हमारा डिलीशियस एकदम टेम्पटिंग शॉट ग्लास डेजर्ट रेडी है। अभी हमने ये जो डेजर्ट है इसे शॉट ग्लास में सर्व किया है। अगर आप चाहे तो इसे जार में भी सर्व कर सकते हैं। और रक्षाबंधन पे आप ये जरूर ट्राई करें और अपने भैया को खुश करें। आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। हमें आपकी कमेंट्स का इंतजार रहेगा और एक रेसिपी के साथ हम वापस आएंगे। तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।